विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 के उपलक्ष में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक नया कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी सहायता से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के तीनों हितधारकों को यानी सिटीजन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और चीफ विजिलेंस ऑफिसर को शिकायतों को प्राप्त करने, उसे प्रोसेस करने और उसका निपटारा करने में मदद मिलेगी। नए पोर्टल की मुख्य विशेषताएं ओटीपी के आधार पर रजिस्ट्रेशन, 100% ऑनलाइन प्रोसेसिंग, सिटीजन्स के लिए रेगुलर अपडेट्स, शिकायतों का रियल टाइम स्टेटस, सुदृढ़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हैबिचुअल कंप्लेनेंस की पहचान, इस्तेमाल करने में बेहद आसान। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में सिटीजन सबसे पहले हितधारक हैं और कोई भी सिटीजन आसानी से पोर्टल में खुद को रजिस्टर करके अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है। इस सिस्टम में पहली बार ओटीपी के आधार पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा को आरंभ किया गया है। नए सीएमएस पोर्टल में शिकायत का प्रोसेस पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। शिकायत ऑनलाइन प्राप्त हो या डाक के द्वारा, आयोग में सभी शिकायतें डिजिटल रूप से प्रोसेस होंगी। हर शिकायत के साथ एक यूनिक कंप्लेंट नंबर जनरेट होगा, जिसकी मदद से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का रियल टाइम स्टेटस देख सकता है। इसी के साथ और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सिस्टम शिकायतकर्ता को ईमेल और मैसेज भी भेजेगा। यदि कोई भी शिकायत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास भेजी जाती है, जिनके अधिकार क्षेत्र में मामले पर कार्रवाई या निपटारा हो सकता है, तो इसकी भी पूरी जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाएगी। तीनों हितधारकों के लिए पोर्टल को और बेहतर और जवाबदेह बनाने के लिए MIS रिपोर्ट में डिले एनालिसिस रिपोर्ट भी शामिल है। इसी के साथ पोर्टल में हैबिचुअल कंप्लेनेंस की भी पहचान होगी। शिकायतकर्ता की गोपनीयता को बनाए रखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर लिए गए निर्णय को भी पोर्टल पर साझा किया जाएगा। हर साल औसतन 35,000 शिकायतों पर कार्रवाई करने के अनुभव के साथ CVC ने टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए इस नए पोर्टल को बनाया है। जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ने और इससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी की एक अहम भूमिका है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नया CMS पोर्टल इसी की ओर एक अहम पहल है।